Hey everyone, this is Ahmed Hussain and you are watching AMU Studios के episode. और आज मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक USB microphone है जो जिसके sound quality जिस price point पे आया है उस price point के हिसाब से काफी अच्छी है. मैंने इसको use किया था एक जगह पे, वहां पे मैं गया था record करने के लिए कुछ, तो उन्होंने यही microphone लगा रखा था. और इस microphone को फिर जब मैंने सुना इसका output तो मुझे काफी अच्छा लगा. मुझे लगा कि जो रोड के 15-20 हज़ार रुपए के माइक्रोफोन्स आते हैं ना, उसके हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. वो साउंड कार्ड वो माइक्रोफोन कौन सा है, वो है फाइफाइन का T669 Pro 1. इस माइक्रोफोन के अंदर क्या मिलता है, इसका साउंड क्वालिटी कैसी है, ये कैसा आउटपुट देता है, किस तरीके की फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, कितना मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है इसका, कितना पॉप फिल्टर है या नहीं वगैरह वगैरह वगैरह, ये भी मुझे कुछ नहीं पता. अभी मैं इसके अनबॉक्सिंग करूंगा. जब मैं इसके अनबॉक्सिंग करूंगा तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा. एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आया है. आप इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इनके खुद की वेबसाइट पे जाके भी आप परचेज कर सकते हैं. एक अच्छा साउंड है, वो साउंड कैसा आएगा वो अभी मैं आपको सुनाऊंगा. तो चलिए सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग करते हैं. तो चलिए, फाइफाइन का T669 Pro 1 USB रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं. उसमें देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है. यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिलेगा जो ऑलरेडी मैंने उखाड़ दिया था क्योंकि मुझे देखना था कि इसके अंदर क्या क्या है. और जैसे हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, साथ में आपको यानी कि यूं ऐसा आएगा. फिर एक कुछ पेपर वर्क है जो हम लोग के काम का नहीं है क्योंकि हम लोग सब जानते हैं माइक्रोफोन्स के बारे में. यहाँ पे सबसे पहले आपको एक यूएसबी केबल मिलेगी जो कि टाइप ए टू टाइप सी होती है. टाइप ए ये रहा और टाइप सी ये रहा. साथ में आपको एक ग्रिप मिलेगा. ये ग्रिप किस काम आता है ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में. फिर उसके बाद में आपको एक आर्म मिलेगा जो नॉर्मल क्वालिटी से थोड़ा अच्छा आम है. जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं, देखिए मेरे पास में यहाँ पे रोड का भी आम लगा हुआ है. पीछे अगर आप जाए तो पूरा आपको दिखाई देगा. ये तकरीबन आपका 3 से 3.5 किलो के हिसाब से आपका जो अगर आपका कैमरा हुआ या आपका माइक्रोफोन हुआ उसके हिसाब से ये ले लेगा. यहाँ पे हमारे पास में है फाइफाइन का T669 Pro 1 USB कंडेंसर माइक्रोफोन जिसके अंदर पॉप फिल्टर देखिए लगा हुआ है, नॉब है, गेन नॉब है, यहाँ पे टैप का ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें. तो चलिए अब इसको सबसे पहले हम लोग आपको हैंग करके दिखाते हैं कि ये आर्म के साथ में किस तरीके से काम करता है. तो जैसे मैंने आपको बताया था, और ये जो आपका ग्रिप होता है इसको हम लोग खोलेंगे पहले थोड़ा सा. ये अमूमन क्योंकि मेरे पास नीचे भी एक स्टूडियो जो मेरा नीचे है, जो मेरा सेटअप लगा है उसमें भी है. इसमें कुछ ना करिए, इस ग्रिप को ऐसे ओपन करिए, यूं लगा दीजिए और इसको कर देते हैं टाइट. जितना टाइट ये हो सके उतना टाइट कर दीजिए. फिर उसके बाद ये आपका जो आर्म है, ये आला आर्म, इसमें हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं और ये फिक्स हो गया. फिर उसके बाद माइक्रोफोन आपका है. इस माइक्रोफोन में एक यहाँ पे कन्वर्टर मिलता है जो आपको क्वार्टर इंच आपको बना देता है. फिर इसको सबसे पहले हम लोग इसमें लगाते हैं. ये आपका क्वार्टर इंच हो गया, बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है, कोई बहुत दिक्कत नहीं होती, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है. और इस आर्म के साथ में खूबसूरत भी लगता है. और दूसरी बात क्या है कि इसमें ऑप्शन होते हैं इस आर्म में कि आप आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा जैसे कर चाहो कैसे कर सकते हो. फिर उसके बाद आपने यूएसबी लिया, यूएसबी को आपने नीचे लगा दिया. इसके बाद इसको आप चाहे तो टैब में दे दीजिए, मोबाइल में दे दीजिए, ओटीजी के कन्वर्टर के थ्रू. अगर आप टाइप सी टू टाइप सी डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं. डेस्कटॉप में तो डायरेक्टली लग जाएगा, लैपटॉप में डायरेक्टली एक लग जाएगा. और उसके बाद में कुछ इस तरीके की पोजिशन आपकी आएगी. अगर मुझे रिकॉर्ड करना होता है तो मैं यहाँ पे हूँ. अगर मैं मान लीजिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वैसे आजकल मैं आपको बताऊँ तो आड़े टेढ़े होकर पॉडकास्ट किए जाते हैं, और इस तरीके से मैंने कर दिया और पॉडकास्ट में मैं सवाल पूछने लगा तो बताइए आपका जन्म कब हुआ था और आपकी मृत्यु की तारीख क्या है. वैसे आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट में ये सारे क्वेश्चन चलने लगे. फिर उसके बाद में अगर आपको बुक्स रिकॉर्ड करनी है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई बुक है, और एक बुक बहुत अच्छी है जो मेरा फर्स्ट प्ले था, मेरा पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन, उसकी किताब यहाँ पर रखी हुई है. मैं अगर रिकॉर्ड करना चाहूँ तो मैंने सीधे ये लगाया, रिकॉर्ड करना मैंने शुरू कर दिया, बुक मैंने पकड़ी यहाँ पे. बुक सामने इसलिए रखी जाती ताकि आपका मुंह का जो डायरेक्शन है वो एक जगह पे रहे. आचार्य ने कुछ ऐसा कहा था. तो ये एक मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, मिनिमलिस्टिक. आपको बिल्कुल वायर की कोई जरूरत नहीं और सारी चीजों की जरूरत नहीं है. बाकी अब चलते हैं इसके साउंड टेस्ट के ऊपर. देखिए, आपने ये सारी चीज़ें देख ली कि इसके अनबॉक्सिंग में क्या क्या चीज़ें निकली, किस किस तरीके से ये आया और क्या क्या इसमें से इसके एक्सेसरीज वगैरह हैं सारी चीज़ें. तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो यूएसबी माइक्रोफोन को, इस वाले माइक्रोफोन को, फाइफन के, मैंने टाइप सी से कनेक्ट किया हुआ है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने टैब के ऊपर. ये लिनोवो का टैब है, कोई बहुत खास ऐसा बहुत अच्छा टैब नहीं है, लेकिन माइक्रोफोन अच्छा है. साउंड मैंने पहले भी इसका टेस्ट किया था, अभी मैं आपको टेस्ट करके जो सुना रहा हूँ वो ये. इसमें जो खास बात ये है इस यूएसबी माइक्रोफोन में, एक तो मिनिमलिस्टिक बिल्कुल इसके वायर्स हैं, कोई बहुत ज्यादा झंझटा नहीं है, बहुत इजीली
आ जाता है, बहुत लग जाता है। और इसमें एक गेन कंट्रोल है। गेन कंट्रोल किस जगह पे काम आता है और क्यों काम आता है और इसको काम क्यों हमें लेना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग वॉइस ओवर्स करते हैं, हम लोग डबिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साउंड के ऊपर काम करते हैं। एक साउंड का मतलब ये हो जाता है कि कभी कभी हम लोगों को बहुत चिल्लाना पड़ता है, कभी कभी हम लोगों को बहुत धीमे भी बोलना पड़ता है। तो वॉल्यूम गेन जो होता है तब हम लोगों का कारगर साबित होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग गेन का इस्तेमाल करते हैं। ये साउंड जो भी आप सुन रहे हैं ये टैप से रिकॉर्ड हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऐप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये डायरेक्टली जो भी आप सुन रहे हैं वो इनबिल्ट जो ऐप होता है, जो रिकॉर्डर का एक ऐप होता है, उसमें ही इसको रिकॉर्ड किया गया है। प्लगइन्स नहीं लगाए गए, प्रीसेट कोई नहीं लगाया गया है। डायरेक्टली जो भी साउंड अभी आप जो सुन रहे हैं वो यही है। तो अगर साउंड टेस्ट के मामले में मैं कहूंगा, क्योंकि अभी तो मैं सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन जब मैं सुनूंगा तो डेफिनेटली मैं एक 30 सेकंड का रिव्यू अपना भी दूंगा कि साउंड मुझे कैसा लगा। लेकिन फिलहाल जो अभी आप सुन रहे हैं वो कैसा लगा है साउंड, आपको इसको आप हेडफोन में भी लगा के सुन सकते हैं कि कितनी नॉइस है, नहीं है, ब्लोज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पॉप्स चकलिंग्स आ रही नहीं आ रही है। आपकी खुद का भी तो साउंड एक अच्छा होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि आप बिल्कुल बोल रहे हैं कौवे की तरह और आप चाह रहे हैं कि माइक आपको सुना दे कोयल की तरह, तो ऐसा नहीं होता है। ये टेक्नोलॉजी जो है ये कार्डियोइड पोलर पैटर्न है, ये चारों तरफ से रिकॉर्ड नहीं करता है, ये एक सामने से रिकॉर्ड करेगा ताकि कम से कम नॉइस आए। और हम लोग ओमनी डायरेक्शनल रिकॉर्ड नहीं करते। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि जब चारों तरफ से रिकॉर्ड होता है, वो तब होता है जब हम लोग कोरस रिकॉर्ड करते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, ड्रम्स रिकॉर्ड करते हैं, तब हम लोग वहां पर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वोकल के लिए है, कंडेंसर माइक्रोफोन है, तो ये सामने से रिकॉर्ड करेगा क्योंकि स्टूडियो वर्जन की क्वालिटी निकाल के देता है। अच्छा, इसमें खास बात यह है, टैप टू म्यूट। टैप टू म्यूट का मतलब यह हुआ कि अभी मुझे अगर इसको काम नहीं देना है तो मैं सिर्फ एक और अगेन, अब देखिए मेरी आवाज फिर से आपको पहुंच रही होगी। तो म्यूट का एक ऑप्शन है जो बहुत अच्छा है। इसमें एक टैप करेंगे म्यूट हो जाएगा, एक टैप करेंगे अनम्यूट हो जाएगा। प्लग एंड प्ले है, कोई बहुत ज्यादा आपको काम करने की जरूरत इसमें नहीं है। सिर्फ एक वायर लगाइए, कंप्यूटर में लगाइए, डेस्कटॉप में लगाइए, टैप में लगाइए, मोबाइल में यूज करिए, साउंड कार्ड में यूज करिए, जहां चाहे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और बेहतरीन साउंड आपको रिकॉर्ड करके देगा। इसका जो पॉप फिल्टर है वो पूरे माइक को कवर कर लेता है, जिससे कि आपकी चकलिंग का साउंड, ब्लो का साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप गेमिंग में इसको यूज करना चाहते हैं, आप पॉडकास्टिंग में इसको यूज करना चाहते हैं, आप इंटरव्यूज लेना चाहते हैं, वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इवन डबिंग का भी आप काम करना चाहते हैं, तो इस माइक्रोफोन से आप इजीली कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक आर्म आपको मिलता है जो 360 डिग्री आप इसको कवर कर सकते हैं। एक अच्छा आर्म है जो अप डाउन, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, चाहे जहां पे भी आप इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। और बहुत हल्का आर्म है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 200-300 ग्राम का आर्म होगा, शायद ज्यादा कम हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा वजन नहीं होगा, तो आप इसको कैरी भी इजिली कर सकते हैं। 16 mm का लार्ज डायफ्राम इसका है, जो एक अच्छा साउंड इनपुट लेता है और आपको एक अच्छा साउंड का आउटपुट भी देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक सबसे खास बात है गेन कंट्रोल की। गेन कंट्रोल इसलिए जरूरी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉल्यूम अप और डाउन हम लोग कब जाते हैं ज्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग डबिंग करते हैं। अभी मान लीजिए कभी हमें ऐसे चिल्लाना, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो, तो अभी क्या हो, साउंड क्रैक कर गया। अभी इसके को वॉल्यूम को मैं कम कर देता हूं यहां से, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो, तो ये कंट्रोल हो गया। पर इसके बाद अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा इसका वॉल्यूम देना है, यानी कि मुझे बहुत डीप डाउन डार्क में जाके साउंड बात करनी है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन क्या आप भी मेरे साथ आओगे, मुझे आपको कुछ बताना था। ये साउंड भी आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद 12 o'clock पे आप इसका वापस से रख दो गेन, और मिनिमम जो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये तकरीबन 6 inch की दूरी है, 6 inch का हम लोग नापते हैं इस तरीके से कि एक बालिश की दूरी होती है, वहां पे हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। माइक्रोफोन सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को सिस्टम में ले जाने के काम आता है। माइक्रोफोन आपकी आवाज को बदल नहीं देगा। सबसे अहम चीज ये होती है, यूएसबी माइक्रोफोन्स में प्रॉब्लम क्या होती है, या तो आप बहुत महंगे माइक्रोफोन 30-40 हज़ार रुपए के जो माइक्रोफोन आते हैं आप उसको परचेज करिए, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये माइक्रोफोन मिलता है फाइफाइन का, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन लोगों के लिए जो इनिशियली स्टेज पे आप अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, आपके पास ट्रैवल करने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं तो आप इससे माइक्रोफोन को ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी मनाली जा रहा हूँ अपने स्टूडियो में, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से अभी पहाड़ों पर जाके काम करूँ, तो मैं इस माइक्रोफोन को ले जाऊंगा और इसी माइक्रोफोन से मैं सारे काम करूंगा। आगे भी जाके मैं आपको एपिसोड दिखाऊंगा तो ये माइक्रोफोन आपको देखने को मिलेगा, और भी चीजें मेरे साथ जा रही हैं, लेकिन एक मिनिमलिस्टिक
बिल्कुल रिक्वायरमेंट जो होती, एक वायर, एक माइक्रोफोन, दैट्स इट, हो गया। आप वो आम भी रख लेंगे तो वो कोई वजन नहीं है उसमें, तो ये ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो भाई देखिए, ये साउंड टेस्ट आपको कैसा लगा, आवाज कैसी आई, मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। और ये माइक्रोफोन है फाइफाइन का T669 Pro 1। इसका प्राइस अगर आपको जानना है तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, जाहिर सी बात है जिस तरीके की अवेलेबिलिटी होती है। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं, इनकी खुद की वेबसाइट है फाइफाइन की, आप वहां पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। डिलीवरी आपको मिल जाएगी और डिलीवरी बिल्कुल सिक्योर पैकेज में आपको मिलेगी। ये आर्म भी साथ में आपको मिलेगा, माइक्रोफोन भी आपको साथ में मिलेगा, टाइप सी के वायर भी आपको साथ में मिलेगा, इसका ग्रिप भी आपको साथ में मिलेगी और एक प्यार आपको मिलेगा जो फाइफाइन की तरफ से आपको मिलेगा। और देखिए कितना खूबसूरत सा है, बिल्कुल यहाँ पे आ गया एकदम, इसको मैं अपने बैग में रख लूंगा। और ये टोटल वेट इसका अगर मैं देखूं, 1 किलो भी नहीं होगा इसका वेट, 1 kg भी नहीं होगा इसका वेट, उसका वेट होगा करीब 800 ग्राम के आसपास। तो आप कैरी भी कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। फाइफाइन का T669 Pro 1 बिल्कुल जाके ले सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन है। इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप बिगनर हैं तो आप फाइफाइन का T669 Pro 1 ले सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।